सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हुमाज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और ये है जी मेरा संडे का व्लॉग, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त। और उसके लिए मैंने 2 अदद बड़ी प्याज लेके उसको ब्राउन कर लिया और उसको निकाल लिया। और अब पतीली में मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और मैं बना रही हूँ बीफ से। तो यहाँ पे मैंने 1/2 kg तकरीबन लिया है बीफ, और इसकी अच्छी तरह भुनाई करने के बाद जब इसका कलर चेंज हो गया उसमें मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 हीप टीस्पून, मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। और इसके साथ जाएगा नमक 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी। बेसिक से मसाले हैं ये, शोरबे वाला अरवी गोश्त मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो बस ये सब मसाले डालकर इसकी अच्छी तरह करूँगी मैं भुनाई, और इसको मैं रख दूँगी गोश्त को गलने के लिए। अरवियाँ छीलने में ज़रा बड़ा मसला होता है, इस वजह से जो है मैं कम ही बनाती हूँ अरवियाँ, क्योंकि मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा खुजली हो जाती है, इतनी ज़्यादा मतलब ख़ारिश हो जाती है कि फिर मैं जो है वो थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप दही में 1 अदद टमाटर और जो प्याज ब्राउन की थी ना वो उसके अंदर ब्लेंड करके डाल दी है, और बस इसको गलने के लिए रख दूँगी मैं। तकरीबन 1 घंटा लेगा ये, क्योंकि ये बीफ है तो इसलिए 1 घंटे में जो है वो गोश्त जो है वो गल के जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर मैंने जो है वो अरवियाँ छील ली थी, बहुत सारी मैंने जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स करके देख ली हैं कि मैंने हाथों पे ऑयल भी लगाया, और फिर मैंने लेकिन फिर भी जो है ना वो मेरे तो हो जाती है एलर्जी, पता नहीं क्या मसला है। और फिर मैंने जो है वो अरवियाँ छील के इस तरह से, और उनको अच्छे से वॉश करके, भिगोना बिल्कुल भी नहीं है, बस मैंने इस तरह से वॉश करके इसको इसके साथ भून लिया। और शोरबे के लिए जो पानी है वो मैंने थोड़ा बॉयल कर लिया, क्योंकि अगर इसमें डायरेक्ट कच्चा पानी डाल देना तो ज़रा उससे थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है, और जैसे ही हमारा जो है वो सालन अरवियाँ गल जाएंगी तो मैं इसमें जो है वो शोरबे के 1/2 कप पानी डाल दूँगी। मतलब जितना आपको चाहिए हो आप बस उतना ही, जितना पतला आपको शोरबा पसंद हो तो आप उस हिसाब से जो है वो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी बाद में, और इसमें जो है वो पानी शामिल करके इसको अच्छे से 10 मिनट तक जो है वो जोश दूंगी ताकि अच्छा सा जो है वो शोरबे का टेस्ट भी जो है वो इन्हेंस हो जाए। तो बस ये थी सिंपल सी रेसिपी अरवी गोश्त की जो कि मैंने बनाया था संडे को। और खाना बना के मैं फ़ारिग हुई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक जगह हमें चलना है, और वहाँ पे जो है वो बकरे आए हुए थे तो वो देखने हैं हमें। तो ज़ाहिर है ईद पे तो इसी चीज़ की शॉपिंग होती है कि आप बकरों की और गाय की जो है वो शॉपिंग करें। तो खैर हम लोग जो है यहाँ पे हम बकरे देखने आए, लेकिन हमें कुछ इतना ख़ास समझ में नहीं आया बकरे। तो खैर हम बच्चों को बड़ा मज़ा आया, और बच्चे जो है वो खेल रहे थे बकरों के साथ। और बस यहाँ पर जो है वो ये जो है ना ये सामने जो एक बकरा है ब्लैक एंड वाइट कलर का, और मैं एक दो वीडियोस देख रही थी तो उसमें जो है वो इस बकरे को जो है वो अजरक प्रिंट का बकरा कह रहे थे, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये देखें ये अजरक प्रिंट का बकरा खड़ा हुआ है यहाँ पे, और वो अजीब अजीब से नाम है बकरों के। तो बस खैर हम लोग यहाँ से जो है वो फिर घर चले गए, और फिर वापसी पर जो है वो हम लोग गए लकी वन,
और वहाँ से जो है वो कुछ ख़ास शॉपिंग नहीं करनी थी, क्योंकि आपको पता है बकरीद पे इतनी ज़्यादा कपड़ों वगैरह की तो शॉपिंग होती नहीं है, और मैंने तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही शॉपिंग की थी, तो वो भी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने आई हूँ बच्चों के कमीज शलवार लेने के लिए और अपने हस्बैंड का कमीज शलवार लेने के लिए। तो जे डॉट पे मैं आई हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ इतनी ख़ास वैरायटी नहीं लगी जे डॉट पे, तो मैंने जो है वो बस अपने जो छोटे वाले हैं दोनों उनके जो है वो सिर्फ कुर्ते ले लिए थे। ये वाला एक कुर्ता लिया था ये जो डमी पे है, और एक और ये ब्लू कलर का कुर्ता है ये लिया है दोनों छोटे बच्चों के लिए। और इसके अलावा जो है वो डाइनर्स पे भी अच्छी सेल लगी हुई थी और ईडन रोप पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा जो है वो करते हैं ईडन रोप से शॉपिंग कमीज सलवार की। तो आप लोगों ने भी अभी तक अगर शॉपिंग नहीं की है तो आप ईडन रोप ज़रूर जाइए, और काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है यहाँ पे, 25% ऑफ, 50% ऑफ, 40% ऑफ, मतलब 7,500-8,000 के जो सूट हैं वो 3,500 के और 2,800 के इस तरह से मिल रहे हैं, और 25% भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मैं कुर्तियाँ देख रही थी, मैंने एक अदद कुर्ती भी ली है, तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो कुर्तियों की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और रोज़मर्रा के पहनने के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैरायटी थी, और अगर आप 3-पीस सूट लेना चाहें तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। और ये जो मैंने कुर्ती ली है इसका जो है वो मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, तो मेजरमेंट करने से आसानी हो जाती है कि आप जो है ना फिर ले लें और फिर घर आके फिर एक्सचेंज करने के लिए जाएं, तो इसलिए मैं तो अब जो है ना वो इन स्टेप उनसे मांग लेती हूँ और फिर मैं मेजरमेंट करके और फिर लेती हूँ। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और कलर्स काफ़ी अच्छे थे, समर के कलर्स थे सारे, और मैंने भी ये ब्लैक एंड वाइट ही ली है। यहाँ पे मैं और भी देख रही थी, तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो ली है और कपड़े ले लिए हैं बच्चों के, और बस फिर मैं जो है वो घर की तरफ रवाना हो गई थी। तो आपको जो है बच्चों की पैंट शर्ट्स लेनी है या कुछ इस तरह की चीज़ें लेनी है तो आप ज़रूर ईडन रोप पे जाएं, और काफ़ी अच्छी वैरायटी है वहाँ पे ईडन रोप पे, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी रीज़नेबल भी लगी। और बाकी जगह भी थी, जेलबरी पे भी नॉर्मल उसके कपड़े मिलते हैं, लेकिन जेलबरी पे मुझे इतनी वैरायटी समझ में नहीं आ, कमीज सलवार की तो बिल्कुल भी वैरायटी नहीं थी जेलबरी पे, सिर्फ 2 रैग्स जो हैं वो टंगे हुए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी शॉपिंग, और ये 2 कुर्ते लिए हैं मैंने छोटे वाले बच्चों के, और इसके साथ जो थी शलवारें वो भी मैंने ईडन रोप से ही ली थी, जे डॉट से मैंने सिर्फ कुर्ते लिए थे। और फिर जो है वो अपने बड़े वाले बेटे के लिए मैंने लिया एक वाइट कलर का कमीज शलवार, अपने हस्बैंड के लिए भी ये मैंने ऑफ वाइट कलर का कमीज शलवार लिया है, और जो सबसे जो मतलब सेकेंड वाले जो बेटा है मेरा उसके लिए भी ये ब्राउन कलर का कमीज शलवार लिया है। तो बकरीद पे इतनी ज़्यादा शॉपिंग का क्रेज़ नहीं होता, क्योंकि बकरों में सब ज़्यादातर लगे हुए होते हैं और बकरे और गाय की शॉपिंग हो रही होती है। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी कबूल व मकबूल फरमाए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अल्लाह।